ब्रिज रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं मलाई केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और ये मलाई केक हम घर की मलाई से बनाएंगे और इस केक में बिल्कुल अंडे का यूज़ नहीं हुआ है और ये केक बहुत ही सॉफ्ट बनता है, टेस्टी लगता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। और इसे हम ओवन में नहीं बना करके इसको हम कढ़ाई में बनाएंगे। तो उम्मीद है आपको मलाई केक की रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ साथ के साथ लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो केक बनाना शुरू करते हैं। केक बनाने से पहले हम केक टिन लेंगे और इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो थोड़ा सा ऑयल, घी या बटर ले लेंगे और इसको ब्रश से फैला लेंगे अच्छी तरह से। हम केक के बैटर कितना ले रहे हैं उसी के अनुसार हम केक टिन लेंगे और इसमें मैदा का डस्ट कर डालेंगे और इसको कोटिंग करेंगे। हम इसके जगह बटर पेपर भी ले सकते हैं। तो टिन तैयार हो गया है। अब हम केक मिक्स तैयार कर लेंगे। एक बर्तन में फिल्टर रख देंगे और उसमें 1.5 कप मैदा डाल देंगे। 3/4 कप इसमें पीसी हुई चीनी डालेंगे। चीनी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। और 1.5 चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर लिए हैं। 1/4 चम्मच इसमें बेकिंग सोडा लिए हैं और इसको हम फिल्टर कर लेंगे। तो 1.5 कप मैदा में हम 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर लिए हैं और 1/4 चम्मच इसमें हम बेकिंग सोडा ले लिए हैं। और चीनी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसको फिल्टर कर लेंगे। जो भी दाना या गांठ है इसको निकाल देंगे। तो केक मिक्स तैयार हो गया है। अब हम मिक्सिंग बाउल में मलाई को डाल देंगे। तो 1 कप मलाई हम यूज़ किए हैं, फ्रेश मलाई यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा दिन का मलाई नहीं लेंगे। और इसको अच्छी तरह से पहले हम मिक्स कर लेंगे मलाई को, उसके बाद हम केक मिक्स को डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम डाल करके केक मिक्स का फिर बैटर तैयार करेंगे। तो इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। और इसमें और केक मिक्स को डाल देते हैं और इसको मिला लेंगे। तो इसमें बिल्कुल बटर या रिफाइंड तेल या घी का यूज़ नहीं हुआ है। ये मलाई से ही बहुत सॉफ्ट बनेगा ये केक। तो अभी घोल गाढ़ा है तो इसमें हम दूध डाल देंगे। तो दूध हम 1/2 कप यूज़ किए हैं। अभी हम थोड़ा सा डाल दे रहे हैं, बाद में और दूध का ज़रूरत पड़ेगा। तो दूध के जगह हम दही का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे मिला लिए हैं। अब हम इसको फेंट लेंगे। एकदम गुलठी नहीं रहना चाहिए बैटर में। अब हम केक मिक्स को डाल देंगे, जो भी बचे हुए केक मिक्स को डाल करके इसको मिलाएंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा केक मिक्स डाल करके हम बैटर को तैयार करते हैं। अब ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे दूध का पाउडर। तो दूध पाउडर हम लिए हैं 3 चम्मच। 1/2 नींबू का जूस ले लिए हैं। 5 से 6 ड्रॉप इसमें वेनीला एसेंस है। वेनीला एसेंस की जगह हम कोई भी अपनी मनपसंद एसेंस यूज़ कर सकते हैं। और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छा तरह से। तो घोल अभी गाढ़ा है तो इसमें हम दूध मिला करके बैटर को तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं घोल रखना, गाढ़ा ही रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं रखना है। तो इसमें पूरा 1/2 कप दूध लग गया है। तो 1.5 कप मैदा में हम 1/2 कप दूध डाल चुके हैं और इसे अच्छी तरह से कुछ देर के लिए हम फेंट लेंगे। हम जब तक फेंटेंगे तब तक कि इसमें गुलठी और कोई भी गांठ ना रहे। अब ये केक बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसमें या तो ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं या टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं, मैं इसमें नहीं डाली हूँ। अब बैटर को केक टिन में डाल देंगे और ऊपर का हिस्सा थोड़ा खाली रखेंगे, पूरा नहीं भरेंगे। और इसे टैप कर देंगे ताकि एयर बबल्स निकल जाए। और प्री हीट किया हुआ कढ़ाई में हम केक टिन को डालेंगे। तो कढ़ाई हम पहले ही प्री हीट कर लिए हैं 10 मिनट के लिए। इस पे कढ़ाई में स्टैंड रख दिए हैं और 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हम इसको प्री हीट कर लिए हैं कवर करके। तो बेकिंग करने से पहले प्री हीट होना ज़रूरी है बर्तन को, तभी हम केक टिन को डालेंगे। तो केक टिन को डाल दिए हैं, अब इसको कवर कर लेंगे। और गैस का फ्लेम हम मीडियम से लो के बीच में रख देंगे और 40 से 45 मिनट में केक को बेक होने देंगे। अगर केक का मात्रा ज़्यादा है तो और टाइम लग सकता है। तो केक चेक कर लेते हैं स्टिक से पका कि नहीं। तो ये बहुत अच्छा से पक चुका है, इसमें नहीं चिपक रहा, यानी कि ये हो गया है। अगर स्टिक में चिपकता है केक तो इसे हम और बेक कर लेंगे। और अब केक को हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और ये बहुत ही आसानी से निकल गया है। ये केक बहुत अच्छा बना है, ये कितना सॉफ्ट बना है देखिए। और ये जो मलाई केक है ये बहुत ही टेस्टी लगता है और ये बहुत सॉफ्ट बनता है और मुंह में जाते ही घुल जाता है और एकदम स्वीट के जैसा इसका टेस्ट आता है। तो देखिए कितना सॉफ्ट बना है, नरम केक बना है।
तो आप भी ज़रूर मलाई केक ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और अगर ये मलाई केक की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए और मेरे ऐसे आने वाली रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।